हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचिंग दुनिया। आज आम यही वीडियो रे टीचिंग एप्टीट्यूड पार्ट 24 रो इंपोर्टेंट क्वेश्चन गुड़िक जानवा जहाँकि आपण बीईडी एंट्रेंस एग्जाम पे हेल्प करिवो। जे कौन सी भी टीचिंग रिलेटेड एग्जाम देवी ताले ए वीडियो आपन को हेल्प करिवो। क्वेश्चन नंबर 1 रही द राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिटवीन एज ग्रुप 6 to 14 हैज बीन इंसर्टेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज 6 to 14 वर्ष पिलां को पई फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दे पई कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल से डिस्क्राइब कराई छी। ऑप्शन नंबर ए रही आर्टिकल 46, ऑप्शन बी रही आर्टिकल 16, ऑप्शन सी रही आर्टिकल 45A, ऑप्शन डी रही आर्टिकल 21A। यार सटिक आंसर कौट हे यार सटिक आंसर ऑप्शन नंबर डी हेबर आंसर आर्टिकल 21A रे रही 6 to 14 वर्ष पिलां को पई फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जोगाई देबा जहाँकि RCFC एक्ट अनुसार 2009 होता RCFC एक्ट। आर रोच राइट ऑफ चिल्ड्रेन सी रे चिल्ड्रेन फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 2009 होता किंतु से जोटा कि आर टी जोटा रही कार्यकारी होता एप्रिल एक 2010 कौन कर इम्प्लीमेंट कराई RCFC एक्ट को जहाँकि इंडिया राइट टू एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करिवारे होची 135 नंबर कंट्री 135 नंबर कंट्री जी की एजुकेशन को फंडामेंटल राइट हिसाब से ग्रहण करछी। एटा क्वेश्चन आसी थाए द नेक्स्ट क्वेश्चन रही क्वेश्चन नंबर 2 रही डाएट DIET डाएट स्टैंड फॉर डाएट्र फुल फॉर्म कौन यार सटिक आंसर ऑप्शन नंबर बी हेबर आंसर डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग रही डाएट्र फुल फॉर्म डाएट्र जोटा कि डिस्ट्रिक्ट लेवल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन टे डाएटा जहाँकि टीचर ट्रेनिंग प्रोवाइड करने रही डाएट जहाँकि प्री सर्विस आउ इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग प्रोवाइड कर डाएट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन रही क्वेश्चन नंबर 3 रही डिस एडवांटेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ जो डिस एडवांटेज ग्रुप रे क्यों माने जीवे ऑप्शन ए रही शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब ऑप्शन बी रही ओमेन ऑप्शन सी रही फिजिकल हैंडीकैप ऑप्शन डी रही रूरल पीपल ये 4 ऑप्शन जो देखिए कौटा कोड हिसाब से देखिए देखते ऑल ऑफ दी एबो ऑप्शन ए ऑप्शन बी रही ओनली 1, 2, and 3 ऑप्शन सी रही फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड आईवी ऑप्शन डी रही ओनली 1, 2, and 3 ए कौटा ठीक है देखो आम देखा जी शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एम गोटे कौन जी डिसएडवांटेज ग्रुप जी देन ओमेन मैंने कौन करेंगे डिसएडवांटेज ग्रुप जी फिजिकल हैंडिकैप भी डिसएडवांटेज ग्रुप रूरल पीपल भी डिसएडवांटेज ग्रुप मैंने टोटल हम डिसएडवांटेज ग्रुप सोसाइटी रे जी तेणु यार सटिक आंसर ऑप्शन नंबर ए है राइट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन रही क्वेश्चन नंबर 4 रही देखो द नेशनल फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन SSE जो SSE रो फुल फॉर्म होची सर्वशिक्षा अभियान SSE रही तार एम कौन रही SSE एम रही यार सटिक आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर यूनिवर्सलाइजेशन और एलिमेंट्री एजुकेशन ऑप्शन ए हे राइट आंसर। ये SSE प्रोग्राम रही 2001 जहाँकि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन प्रोवाइड करने द नेक्स्ट क्वेश्चन रही क्वेश्चन नंबर 5 रही देखते द मिड डे मिल प्रोग्राम फॉर प्राइमरी स्कूल वाज इनिशिएटेड विद द व्यू टू तो MDM जो रही मिड डे मिल स्कीम प्रोग्रामा इनिशिएट कर कौन ऑप्शन ए रही इनक्रीज एनरोलमेंट नाम लेखा बढ़ावाई ऑप्शन बी रही इनवल्व कम्युनिटी कम्युनिटी को इनवल्व करने ऑप्शन सी रही एनगेज टीचर टीचर मैं एनगेज करने ऑप्शन डी रही इनक्रीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट बढ़ावाई यार सटिक आंसर कौटा हम यार सटिक आंसर हम ऑप्शन नंबर ए हे राइट आंसर इनक्रीज एनरोलमेंट जो पिलाने केमी नाम लिखे MDM स्कीम को देखिकी तेणु यार सटिक आंसर ऑप्शन नंबर ए हे राइट आंसर केमी नाम लिखा रूराल एरिया जहाँ भी है पिलाने केमी नाम लिखे स्कूल से मिड डे मिल स्कीमटा प्रोवाइड कराई जहाँकि 1995 MDM स्कीमटा स्टार्ट होता जहाँकि बेटर न्यूट्रिशन जोगाई देवाई एटा कर पाला तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही क्वेश्चन नंबर 6 रही देखते BEC अंडर SSE स्टैंड फॉर BEC फुल फॉर्म कौन रही जोटा कि SSE अंडर रही BEC यार सटिक आंसर हम कौटा
ऑप्शन नंबर ए बराबर आंसर विलेज एजुकेशन कमिटी वीईसी रो फुल फॉर्म जहाँ कौन करते हैं गोटे एनसुअर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को एनसुअर करने वीईसी टा रही जहाँकि 6-14 वर्ष पिला नाम लिखापी कौन करेंगे से वीईसी कमिटी लोक मैंने इनवल्व रे पाने गाँव रमी नाम लिखे तेना वीईसी रोज गोटे कम्युनिटी जहाँकि स्कूल डेवलप कराइए। नेक्स्ट क्वेश्चन रही क्वेश्चन नंबर सेवेन रही इन व्हिच ईयर इग्नो वाज एस्टाब्लिश केवे इग्नोटा एस्टाब्लिश होता है यार सठिक आंसर कौटा ऑप्शन नंबर ए देखिए 1964 ऑप्शन बी 1985 ऑप्शन सी रही 1992 ऑप्शन डी 2002 यार सठिक आंसर कौन होगा इग्नोटा केवे एस्टाब्लिश कराई यार सठिक आंसर ऑप्शन नंबर बी आंसर 1985 1985 इग्नोटा एस्टाब्लिश कराई जहाँ हेडक्वार्टर रही न्यू दिल्ली रही हेडक्वार्टर जार एम हो डिस्टेंस एंड ओपन एजुकेशन डिस्टेंस एंड ओपन एजुकेशन प्रोवाइड करवा इग्नोर एम्स जो रही जो मैंने चाकरी करते पाने इग्नो प्रोवाइड करते डिफरेंट कोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन रही क्वेश्चन नंबर एट रही देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी रेकमेंडेड फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन प्रोग्राम क्यों कमिटी रेकमेंड कर टीचर एजुकेशन प्रोग्राम को इंप्रूवमेंट करने ऑप्शन ए रही रेड्डी कमिटी ऑप्शन बी रामूर्ति कमिटी ऑप्शन डी जसपाल कमिटी ऑप्शन डी मेहत्रा कमिटी एरसठी आंसर कौटा हम एरसठी आंसर हे ऑप्शन नंबर बी हम रईट आंसर रामूर्ति कमिटी कौन कर इंप्रूवमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन प्रोग्राम पे रिकमेंड कर जहाँकि रामूर्ति कमिटी कर 1990 रामूर्ति कमिटी गठित होता। नेक्स्ट क्वेश्चन रही क्वेश्चन नंबर नाइन रही देखो द मीनिंग ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन इज टू प्रोवाइड जोटा कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन कौन प्रोवाइड करते हैं ऑप्शन ए रही एजुकेशन टू ऑल ऑप्शन बी रही एजुकेशन टू ऑल गर्ल चिल्ड्रेन ऑप्शन सी रही फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रेन टू ऑल चिल्ड्रेन ऑप्शन डी रही फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू चिल्ड्रेन ऑफ 6-14 इयर्स यार सठिक आंसर कौटा हो यार सठिक आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन एज ग्रुप 6-14 इयर्स एज जोटा कि यूनिवर्सलाइजेशन प्राइमरी एजुकेशन मीनिंग 6-14 वर्ष पिला मागणा बाध्यमूलक शिक्षा जगह देव। नेक्स्ट क्वेश्चन रही जोटा आज लास्ट क्वेश्चन द फर्स्ट कमिटी टू कॉन्स्टिट्यूट आफ्टर इंडिपेंडेंस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन वुमेन्स एजुकेशन वाज फर्स्ट कमिटी कौटा कि जहाँकि वुमेन एजुकेशन प्रोवाइड करने आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑप्शन ए रही राधाकृष्ण कमिशन ऑप्शन बी मदलेर कमिशन ऑप्शन सी रही द श्री श्री प्रकाश कमिटी ऑप्शन डी रही डॉक्टर दुर्गाबाई देशमुख कमिटी यार सठिक आंसर कौटा हो यार सठिक आंसर हम ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर डॉक्टर दुर्गाबाई देशमुख कमिटी जहाँकि वुमेन एजुकेशन कॉन्स्टिट्यूट कराई जहाँकि 1958 कमिटी गठित होता ये थी इंपोर्टेंट 10 क्वेश्चन जी आपको ये भिडियो भल लगे निश्चित भाव लाइक करेंगे शेयर करेंगे और टीचिंग दुनिया को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जी आपने चाहिए तो पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देदेवी डाउनलोड करेंगे। थैंक यू हैव अ नाइस डे।